पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 30वें मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत की तस्वीर बदलने के लिए देश के लोगों से सहयोग की अपील की। पीएम ने देशवासियों से कहा कि देश की तस्वीर बदलेगी तभी जनता की तकदीर बदलेगी, क्योंकि बदलाव से ही न्यू इंडिया के सपने को साकार किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि 125 करोड़ देशवासियों की ये बदलाव की चाह, बदलाव का प्रयास ही है जो न्यू इंडिया की मजबूत नींव डालेगा। उन्होंने कहा कि सभी देशवासी अगर संकल्प करें और मिलकर कदम उठाते चलें तो न्यू इंडिया का हमारा सपना सच हो सकता है। हर कोई अपने नागरिक धर्म और कर्तव्य का पालन करे, यही अपने आप में न्यू इंडिया की एक अच्छी शुरुआत बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि स्वराज से सुराज की इस यात्रा में हम सभी जीवन को अनुशासित कर संकल्पबद्ध करके जुड़ें। मन की बात में पीएम मोदी ने काले धन के खिलाफ लड़ाई का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए देशवासी एक साल में 2500 करोड़ डिजिटल लेन देन करने का संकल्प कर सकते हैं क्या? इससे आप देश की सेवा करते हुए काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के एक वीर सैनिक बन सकते हैं। तो पीएम ने एक बार फिर मन की बात के जरिए लोगों के सामने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को रखा। पीएम ने न्यू इंडिया की मजबूत नींव के लिए 125 करोड़ देशवासियों से सहयोग की अपील की। देखते रहिए डीबी लाइव।